सभी भाइयों को और गुड मॉर्निंग। अब सो के उठा हूँ मैं, आज भी लेट 11 बज रहे हैं भाई। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो कैसे हो गाइस, होप आप सब ठीक हो गए। तो भाई आज का दिन बड़ा अच्छा है, बहुत ही अच्छा दिन है। अच्छा किस लिए है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। सो पहले बेड से उठ लूँ, और आज भाई बड़ी तगड़ी पार्टी है, बहुत बढ़िया वाली। स्पेशल डे फॉर मी, कुछ ऐसी लगा लो, स्पेशल डे फॉर मी। सबका एक ही आता है, कुछ लोग समझ गए होंगे। तो भाई आज कुछ ऐसी ना, मैं भी बता देता हूँ, उठ रहे क्या जल्दी है। आज तुम्हारे भाई का बर्थडे है, ठीक है, और आज बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है, बर्थडे व्लॉग होने वाला है। तो अपने भाई को जल्दी जल्दी विश करो और ढेर सारा प्यार दो। और फिलहाल जब भाई चलता हूँ नहा धो लूँ, उसके बाद भाई बहुत तो भी उठते हैं भाई, चाय भी नहा के पीऊँगा यार, अभी नहीं, पहले नहा के आता हूँ यार, जब भी सुस्ती जाएगी, क्योंकि रात को लेट सोया हूँ और सुबह मतलब मैं 4 बजे सोया हूँ और 10 बजे उठा हूँ, तो यार नींद अभी पूरी नहीं हुई, तो नहा लेता हूँ। चलो गाइस पहले नहाते हैं, फिर आपको आज का पूरा दिन दिखाते हैं बढ़िया क्या क्या करते हैं। सो गाइस गाड़ी हो रही है बहुत ज़्यादा गंदी, और मेरे पे भाई आज तो है नहीं बिल्कुल भी धुलवाने का टाइम, होगा भी तो भाई आज नहीं जाऊँगा, आज गाड़ी नहीं धुलवाऊँगा, कल चला जाऊँगा यार। आज तो मतलब पूरा दिन बड़ा बिजी जा रहा है, जाएगा मतलब, सॉरी। और भाई अभी मैं बताऊं, मैंने इस हफ्ते में यार कम से कम 2-3 बार गाड़ी धुलवा ली है, पर वो है ना बारिश हो रही है भाई, उस चक्कर में भैंस की आंख रोज गंदी हो जाती है रोज, तो इस चक्कर में मैं सोच रहा हूँ अभी रुक जाऊँ। आज धूप खिली है बहुत बढ़िया वाली, तो मेरे को लग नहीं रहा अब आजकल में बारिश होगी, तो इसे ना आजकल में मैं मतलब कल, आज तो नहीं, कल इसे वॉश करवाऊंगा गाड़ी को दोबारा, क्योंकि भाई गंदी गाड़ी अच्छी लगती है। गंदी का नाम लिया और भाई की गाड़ी देख लो, भाई की गाड़ी की हालत मेरे से ज्यादा बुरी हो रही है, पता नहीं भाई ने पता नहीं कितने टाइम से गाड़ी नहीं धुलवाई होगी ये देखो जा रहे हैं, पर भाई स्कॉर्पियो इसका रुतबा अलग है, ये चाहे गंदी हो या कैसी हो बढ़िया लगती। सो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है, आज भाई बढ़िया पार्टी करेंगे शाम को, और बड़े लिमिटेड लोग रहेंगे मेरे साथ, मतलब जो मेरे बिल्कुल क्लोज है, ज़्यादा बाहर नहीं। और भाई पहले चल जाता था यार ये 20-25 आदमियों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना, वो मैं अब मज़ा नहीं रहा भाई उस चीज़ में, पहले लास्ट में 3-4 कर लिए ऐसे, तो उस चीज़ में यार मज़ा नहीं आता, उससे बढ़िया अपना लिमिटेड आदमी बैठे जो अपने रोज़ के बंदे हैं, खास बंदे हैं, बिल्कुल दोस्त हैं, सब कुछ है, तो उनके साथ बैठे अच्छे से बातचीत भी करें और सब कुछ हो जाए। तो आज शाम को भाई पार्टी है बढ़िया, आप लोगों में से भी किसी को आना हो तो आ जाना, लोकेशन डाल दूंगा मैं, और अपने भाई को कमेंट सेक्शन में बढ़िया भर के विश करना। फिलहाल भाई मार्केट आया था, पोपट हो गया बढ़िया वाला, ड्राई क्लीनर मिला बंद, ड्राई क्लीनर पे भाई मेरी एक शर्ट थी वो मर गया भाई, गायब आज आया ही नहीं। तो भाई चलो फिलहाल चलते हैं भाई वापस घर में, नहा धो लूँ, नहाया नहीं, मेरे को सूट दिया था यार, मैंने कहा यार वो कर लेता हूँ, हालांकि उस ड्राई क्लीनर की मेरे पे मिस कॉल भी थी सुबह 9 बजे की, बट मैं भाई जब सोता हूँ ना बहुत गहरी नींद लेके सोता हूँ, तो उस चक्कर में नहीं जा पाया, हो सकता है उसका इसलिए फ़ोन आया हो, अब मैंने कॉल बैक भी नहीं करा, मेरी बेवकूफ़ी थी भाई, हो सकता है इस वजह से आया हो कि भाई दुकान शॉप मतलब आज शॉप बंद है बताना। तो चलो भाई अब घर चल रहा हूँ, नहा धोते हैं और सुबह सुबह उठते ही मम्मी पापा का आशीर्वाद ले लिया तुम्हारे भाई ने, तो अब बस उसी की ज़रूरत है भाई सबसे ज़्यादा लाइफ में, भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई माँ बाप का आशीर्वाद, वो अगर रहे तो भाई आप नहीं है पार है भाई लोगों की, सही बता रहा हूँ, इससे बड़ा आशीर्वाद कोई नहीं है। अगर आप लोग मंदिर में जा रहे हो, मंदिरों में जा के आप वो कर रहे हो कि भाई ये वो फलाना ढिमकाना, भाई मैं तो मंदिर जाता हूँ ये करता हूँ, लेकिन अगर आप अपने घर में अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे ना, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान भी कहता पहले तुम्हारे गुरु तुम्हारे माता पिता हैं, उनके साथ स्वभाव अच्छा रखो, जब तुम्हें कुछ फल मिलेगा। तो चलो फल का वेट कर रहे हैं, फिलहाल चलते हैं भाई घर अपने और नहा धो लूँ, उसके बाद भाई फिर तैयारी श्यारी भी करनी है, अरेंजमेंट करना है, तो
चलो। सो गाइस, भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद लेके भाई मैं निकल लिया हूँ, और भाई इनकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, इनकी ब्लेसिंग्स के बिना कुछ भी नहीं है गाइस। और आज खासकर तो भाई सुबह सुबह उनके भाई इनका आशीर्वाद जरूरी है, इनका आशीर्वाद ले लें, बनते हैं यार, बनता है ये सब। आज के दिन भी अगर आशीर्वाद ना लिए तो बस होपफुली सब अच्छा जाए, लेकिन भाई फिलहाल एक बसड़ हो गई है बढ़िया वाली। वेन्यू डिसाइड नहीं हो रहा भाई कि क्या करना है कहाँ करना है, और मैं भाई पूछ पूछ के थक चुका हूँ इन लोगों से, मैंने कहा भाई बता दो कहाँ करना है। अगर प्राइवेट रखना है अपना तो उसके लिए फिर भी बढ़िया है, और कहीं बाहर चलना है मतलब जहाँ क्राउडेड प्लेस जाना है तो वहाँ बता दो। उसके लिए भाई मैंने देखो गुड़गांव में जो मेरा वो था, मैंने सोचा हुआ था कि गुड़गांव जैसा मतलब बढ़िया जगह नहीं है, गुड़गांव में बहुत अच्छे क्लब्स वगैरह सब चीज़ें हैं, तो क्राउड भी अच्छा आता है भाई गुड़गांव में, तो मैंने कहा यार शाम को वहाँ चलते हैं। बट अभी तक भाई इन लोगों का कोई डिसाइड नहीं हो रहा है। और एक मैंने इन्हें आइडिया दिया भाई कि मैंने कहा खेत में टेंट लगा के वो वैसे ना कर लें, कुर्सी टेबल मेज वेज लगा के और टेंट लगा के वो उसमें कर देते हैं। बट मजाक से हट गया भाई, अभी तक वेन्यू डिसाइडेड नहीं है अपना, वो डिसाइड कर रहे हैं अभी क्या है क्या नहीं है। हालांकि मेरे को भी बुला रहे थे मिलने के लिए, बट तो मैंने कहा भाई शाम को मिलूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास और भी बहुत चीज वो है करने को, तो पहले उन्हें कर लूँ मैं। होप आप समझ के होगे मैं किस वे में कहना चाह रहा हूँ, तो भाई पहले वो कर लें। देखो बट सबको टाइम देना ज़रूरी है, तो मैं उनकी भाई शाम को मिलूंगा तुम सबसे, शाम को एक साथ बैठना ही है यार, तो भाई पहले वो करो ना, दिन में तीन तीन बार एक ही आदमी के साथ मिलते, एक ही ग्रुप के साथ मिलते रहो क्या फ़ायदा। तो मैं तो थोड़ा भी वैसे कहीं जा रहा था, फिर शाम को देखते हैं भाई, अभी डिसाइड हुआ नहीं है, जैसे भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे कहाँ करेंगे कहाँ नहीं। वरना भाई लास्ट ऑप्शन सबसे बेस्ट और सबसे मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मेरे पास है वो है ही, अगर कहीं का नहीं हुआ बिल्कुल प्राइवेट करना हो तो भाई मेरे पास लोकेशन है वो वहीं, फिर अपनी रेगुलर लोकेशन है तो वहीं जाएंगे। तो गाइस आपको अपडेट देते रहेंगे, फिलहाल भाई हम जरा कहीं हो जाए उसके बाद मिलते हैं। चलो और गाइस मेरा तो भाई इंस्टाग्राम इस टाइम फिलहाल पूरा पैक हो चुका है, बढ़िया तरीके से भर चुका है। और हाँ गाइस, पुलकित चपराना इंस्टाग्राम यूजर नेम है, तो गाइस वहाँ भी थोड़ा प्यार दिखाओ यार, वहाँ थोड़ा फॉलो वॉलो करो, वहाँ भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ मैं। तो फिलहाल भाई वही है इंस्टाग्राम मेरा बढ़िया भरा पड़ा है, धीरे धीरे सबके भाई रिप्लाई करूँगा अच्छे से टाइम से फुर्सत से, थैंक यू करूँगा सबका। तो चलो गाइस पहले अपना किसी से मिल मिला लें, उसके बाद भाई घर आके रेडी होके फिर अपना देखते हैं कि कहाँ जाएंगे क्या करेंगे क्या होगा एक्सट्रीम होगा जो होगा। तो चल के लिए भाई निकल गया हूँ मैं, घर से निकल गया हूँ भाई, हालांकि पहुँचने वाला हूँ मैं, जा रहा हूँ भाई सोना वहीं अपने फार्म हाउस पे ही, तो जीजू वाले फार्म हाउस पे भाई सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मैं ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला हूँ, बाकी मेरी अकेला हूँ अभी मैं, तो भाई अपना सारा मतलब तैयारी श्यारी करके आया था उस चक्कर में। और भाई अभी 6:30 हो रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं, ये अपनी पार्टी चलेगी भाई आज 12 बजे तक ऐसा भाई, थोड़ा केक वेक देख लेंगे, अगर यार दोस्त मेरे इतने अच्छे हैं नहीं वैसे, पर केक वेक काट देंगे, तो उसके बाद भाई जब ही घर आना होगा उससे पहले नहीं। तो साहिल मेरे से पहले पहुंच चुका है वहां पर, और बाकी जो है सब आ रहे हैं अभी रास्ते में ही है, वो अपना भाई ले रहे होंगे कुछ ना कुछ, समझ रहे हो ना, बाकी सब आ रहे हैं पीछे मतलब यार दोस्त मेरे, और जीजू फार्म पे ही हैं, अमित भाई भी फार्म पे ही हैं, तो वहाँ पर भी सारी भाई तैयारी करवा दी है बढ़िया अच्छे से, सेटिंग वेटिंग के लिए बाकी बॉनफायर वगैरह सब कुछ करवा दिया है। और मैं बस भाई 10 मिनट में पहुँचने वाला हूँ वहाँ पर। तो आज का व्लॉग होने वाला है भाई आपके बर्थडे का व्लॉग, सो वीडियो को एंड तक देखना और देखो आज कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलो पहले निकलते हैं फार्म पर, क्योंकि भाई जिसका देखो बर्थडे है जो मतलब सेलिब्रेट करने के लिए कर रहा है वो ही सब में ज़्यादा लेट है, क्योंकि साहिल मेट से 15-20 मिनट बाद निकला था भाई, और मैं देख लो वो पहुंच चुका है मेरे से 10 मिनट पहले, मैं अभी भी नहीं पहुंचा, मैं बीच में अटक गया था सामान वामान लेने के चक्कर में। तो भाई चलो चलते हैं और आप दिखाते हैं। सो गाइज सब लोग आ चुके हैं भाई यहाँ पर, और ये देखो ये रहा भाई अपना बिदी फार्म,
और फिलहाल सभी अंदर हैं। मैं बाहर आया था 2 मिनट शूट करने के लिए, तो बाकी लाइट्स वगैरह और लगा दिए आज ताकि दिक्कत ना हो। और ये देखो अपने लगे पड़े हैं अपने अपने कामों में। मैं फिलहाल शूट करने के लिए आया था बाहर की एक बार प्रॉपर शूट कर लिया। अपना मतलब सब कुछ रेडी है, बट कुछ चीज़ ऐसी थी जो मेरे